इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाली है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विकी कौशल एंड सारा अली खान की जो नई मूवी है जरा हटके जरा बचके। अगर इस मूवी की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले इस मूवी से एक ट्रेलर रिलीज़ किया गया था एंड उसी के बाद इस मूवी से एक सॉन्ग रिलीज़ किया गया था लाइक जिसका जो टाइटल था तू है तो मुझे क्या चाहिए, जिसे गाया था अरिजीत सिंह ने अपनी बहुत प्यारी आवाज़ से। उसी के चलते उसका सेकंड सॉन्ग भी रिलीज़ किया गया जिसका नाम है तेरे वास्ते में तेरे वास्ते, ये वाला सॉन्ग है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है फैंस की तरफ से। एंड उसी के चलते हुए अभी इस सॉन्ग की बात की जाए तो अभी ये पूरी तरह ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। उसी के चलते हुए इसका एक और नेक्स्ट सॉन्ग लाइक थर्ड सॉन्ग रिलीज़ हुआ है बेबी तुझे पाप लगेगा, जो कि गाया हिमेश रेशमिया ने अपनी प्यारी आवाज़ में। लाइक बात करें इसकी तो काफ़ी जल्दी ये वाला सॉन्ग पॉपुलर लाइक फैंस की तरफ से अच्छा खासा रिस्पांस देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। लेकिन आपके मन में विचार आ रहा होगा कि चौथा सॉन्ग कौन सा होगा, चलिए वो बता देते हैं। देखिए चौथा सॉन्ग जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चौथे सॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये वाला सॉन्ग जो होने वाला जुबिन नौटियाल की आवाज़ में होने वाला है, जो कि काफ़ी जल्दी आपको सुनने के लिए मिलेगा दोस्तों। कब तक सुनने के लिए मिलेगा ऐसी तो कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है मेकर्स की तरफ से ये वाला जो नेक्स्ट सॉन्ग होने वाला है वो जुबिन नौटियाल की आवाज़ में होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।